मॉर्निंग गाइस, आप कैसे उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मम्मी ने आज ना लगाई है मशीन, क्योंकि ना 10-15 दिन बाद पानी आया था कल, और आज हमने पानी भर लिया था। आज मम्मी ने लगा लिया मशीन, और यहाँ पे मम्मी बना रही है सुबह का नाश्ता। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने आज कई दिनों के बाद मशीन लगाई है, क्योंकि आप रोज रोज ये बोलते हो, आप रोज मशीन लगा। आपने पता कर मैं कपड़े ज्यादा हो जाए, मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली, क्योंकि शाम को तो टाइम नहीं मिलता, शाम को सारा टाइम खराब हो जाएगा मशीन लगाने के चक्कर में। तो ये साथ साथ नाश्ता भी बन जाएगा और कपड़े भी धो जाऊंगा। तो गाइस, अभी मैं उठा था, और उठते मैंने नहा लिया, और नहा के मैं हो गया रेडी। और यहाँ पे ना एक सुई थी ना दीदी, हाँ। पैरों के पास आ गई थी तेरे ना, मैंने देख ली थी, यहाँ से नहीं गई। देखो वाली भाई, यहाँ पे दीदी खा रही है खाना और मैंने खा लिया है ना दीदी। हाँ गाइस, अभी ना हमने स्कूल के लिए पूरा रेडी हो गया, यहाँ पे मुको भी रेडी होकर फोन चला रहा है। आई नहीं रहे बुलाने वास्ते, अपने आप चलते हैं फिर। क्यों, मैं आप बुलाते हैं, आप 2 मिनट रुक देंगे? ठीक है ठीक, फोन कम चला ले, काम कर ले, कल काम नहीं करते स्कूल का। ओहो, कब बात करा? रोज करता। कब करा? रोज करता। शक्ल दिखाइए। गाइस, मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, कपड़े भी धो लिए, और मैं सूखे गीले कपड़े दोनों उतार लिए, क्योंकि ना बारिश आ गई थी, बारिश की वजह से ना सारे कपड़े उठा कर लाने पड़े। और मैं अभी करूँगी सिलाई, और आपको दिखाऊंगी मेरी बारिश कितनी का आई है। गर्मी 2 बूंद गिरी है, और गर्मी ना थोड़ी सी भी कम नहीं हुई, बल्कि ज़्यादा ही होगी गर्मी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा नज़ारा, मौसम का कैसा मौसम हो रहा है देख लो। ये बस इतनी बारिश आई थी, बार बार मैं गिल्ला हो गया, 3 बार पोछा लगा लिया, और बाहर दिख भी नहीं रही बारिश आई कितनी आई थी। और अभी फराटा भी लगा लिया, हर सिलाई करूँगी, फिलहाल मेरा आ रहा फोन। तो गाइस, मैंने मेरा ये सूट सिल लिया है, ये देखो, और मैंने इसकी थोड़ी सी ना नई बाजू का डिजाइन बनाना सीखा है, पैर का देखूँ कैसी बनी, पहली बार बनाई है मैंने तो सीखनी जरूरी थी। इनको जैसे कि अभी हम आए हैं नई मोटर लेने के लिए, तो हमने फिलहाल की मोटर ले ली है, और मोटर का सारी फिटिंग फटिंग भी करवा ली, टंकी भी ले आए, टंकी तो ये रखी, और मोटर वहाँ लगा रखी थी। मोटर में दिखा देता हूँ नई कहाँ पर है, मोटर है जो लेके आए हैं फिलहाल की। अभी हम इसको हमने पानी उठाने के लिए इस्तेमाल किया था, ये पुरानी है, किसी की लेके आई थी स्कूल वाले सर के। अच्छा, तब तो नहीं सही है ना, उठाओ पानी चलाओ, ठीक है? तो बाय बाय बाय, आना चाहिए जब प्रेशर बना। हाँ तो गाइस, अभी मैं गया था दूध लेने, तो मैं कई देर पहले गया था, और दीदी ने कहा मम्मी जी का फेशियल है ना। हाँ, अब आरती भी कर ले। अभी कितना टाइम होगा? 7 बजे अभी आरती कर लेती हूँ, और आलू की सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, आलू की बनाओगे? हाँ, रोज की रोज। अब कलाकंद तो बना दूँ? नहीं, कलाकंद की सब्जी नहीं होती, पनीर बना लो। पनीर पैसे चले जाए उसके लिए, मेरे पास है, दे 10 करोड़ रुपये दे। ले तो गाइस, देता हूँ मैं इसको 10 करोड़। मेरा पैन अभी ना रात के बज गया है 8, और मुकुल अभी ना यहाँ से ना उठ के गया था, यहाँ पे पंखे नीचे बैठा था, मम्मी बना रही है रोटी और सब्जी। सब्जी मैंने बना दी थी, रोटी मम्मी बना रही है। मम्मी कहाँ पे है? ये मम्मी यहाँ पे रोटी बना रही है, मैंने सब्जी चढ़ा दी, सिटी नहीं आ रही है इसमें। तो गाइस, रात के ना 10 बजने वाले हैं, और हमने खाना भी खा लिया है, क्योंकि ना खाना खाने के बाद हम सोएंगे ऊपर आज, इसलिए आज नीचे सोएंगे, क्योंकि बारिश आने के चांस है। बारिश ना तो देखी जाएगी, पहले तो ठंडी हवा खा के आएंगे, क्योंकि नीचे हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, और आज इसलिए हम अंदर बैठे इस टाइम, क्योंकि हमारी मंजी दोनों ऊपर रखी हुई है। तो गाइस, आज मैं आपके थोड़े से लोग कॉमेंट का रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि ना आपने इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट किए हुए हैं, सुनकर पढ़ कर ना दिल खुश हो जाता है, आप इतनी सपोर्ट कर रहे हो हमें, और मुस्कान ना पीछे से ना चिड़क मतलब सारे कर रही है, सारे कर रही है। तो मैं करती हूँ कॉमेंट से शुरू। तो गाइस, आज ना मैंने आपका ना शैम्पू ब्लॉग नहीं ले पाई, आज मैंने ना इस सूट पे मम्मी वाले पे, और जो व्हाइट सूट है इस पे मैंने आज करी, तो भाई स्कूल के आने के बाद मैंने कुछ काम ना कर रहा हूँ ना, मैंने सूट भाई जरूर करिए 2 सूटों पे, मैंने ये कल सूट आपको दिखा था तैयार करा। तो गाइस, मैं एक बात और बता देती हूँ, ये सूट मैं कल डाल कर जाऊँगी, कल जाना मेरे को आसी बाबा लाल दास पे, क्योंकि कल है दिवस, और साथ साथ ना मुस्कान की एसएलसी निकलवा कर लानी, एसएलसी निकलवा कर लेके आऊँगी, और साथ साथ ही मेरे को थोड़ा सामान लेके आना है, सामान लेके आऊँगी। और गाइज, आप ये भी बोलोगे मैं थोड़े से कमेंट करूँगी, क्योंकि तो आपको पता लेट भी हो रहा है यार, आप बुरा मत मानना बिल्कुल भी, अगर किसी का एक आधा कमेंट छूट गया तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि ना कई दिन हो गए थे मेरे को कमेंट नहीं किए थे, आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ती थी ना, तो मेरा
खुश हो जाता था। मेरे को हिम्मत भी मिलती है और हौसला भी मिलता है जो मैंने छोटा सा काम शुरू किया है इसे आगे बढ़ाने के लिए। तो गाइस मैं आपके कमेंट की शुरुआत करने जा रही हूँ। पहला कमेंट है धीर सिंह जी का, गोलू अपनी परीक्षा स्थल पर ठीक 2 घंटे पहले पहुँच जाना। तो थैंक यू जी, और गोलू शायद पहले ही पहुँच गया था। दूसरा कॉमेंट है राहुल जी का, गुड लक फॉर यू एग्जाम गोलू पुत्र, थैंक यू जी। तीसरा कॉमेंट है दिव्यांक मलिक जी का, नाइस थैंक यू। पिंकी जी का कमेंट है, आप सबको एक साथ देख कर दिल खुश हो जाता है। जो बच्चे अपनी माँ का इतना साथ देते हैं वे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। मेरे भी दोनों बेटे ऐसे ही मेरा साथ देते हैं। तो थैंक यू पिंकी शर्मा जी, मैं तो यही दुआ करूंगी भगवान सबके बच्चे ऐसे ही हो जो अपने मम्मी पापा का साथ दे। कमेंट है मानवी जी का, हेलो सरोज भाभी, कोई कोई घर बहुत बरकत वाला होता है, देख लेना अगर आपको बहुत सारी खुशियां दे। थैंक यू जी। अगला कमेंट है कन्नू जी का, पूरा मेहनती है गोलू, ऐसे ही लगे रहो, थैंक यू जी। अगला कमेंट है ज्योति सिंह जी का, बिल्कुल गोलू भैया कालू भैया की तरह है, वे भी सारा काम कर लेते हैं। तो ज्योति जी ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है, गोलू हर काम में मतलब जो उसने काम करना होता है ना वो काम अगर करना ही करना है, अगर सुधारने का थोड़ा वो बिगाड़ जरूर देगा, वो अपने पापा की तरह सारा काम कर लेता है। मतलब लकड़ी का ले, टूटी का ले, चिनाई का ले, मतलब जो भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं बेबी। ओ गाइस वहां पे ना क्या नाम है बैठक का ना गेट उल्टा लगा रखा था, कृष्ण भाई और भाई ने मिलकर वो सीधा कर दिया ना मम्मी। तो कमेंट है विक्की जी का, ठीक कर लो। तो भैया मेरे को समझ नहीं आई आप क्या ठीक करने को बोल रहे हो, और थैंक यू वेरी मच। फिर तीसरी का कमेंट है गोलू भाई तुम्हारी परीक्षा के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। तो थैंक यू धीर सिंह जी। अगला कमेंट है आशी मानसी लोग, थैंक यू जी। अगला कमेंट है रीना जी का, ओ एम जी इंग्लिश देखो इनकी, सरोज इनको पढ़ाई करवाओ ध्यान से, ब्लॉग से कुछ नहीं होगा सच में। तो रीना जी मैं आपको बता देती हूँ, देखो आपकी जो आपने सलाह दी है वो एक नंबर की अच्छी सलाह है। हाँ कई बार ना बच्चों से मिस्टेक नहीं होती, जैसे हमारा फ़ोन है ना जिसमें एडिटिंग करते हैं उसका जो बीच वाला बटन है उसमें ना कई अक्सर लिखते हुए ना तो मिस्टेक हो जाती है। तो थैंक यू जी। अगला कमेंट है पिया जी का, गोलू इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, थैंक यू पिया जी। फिर दीप सिंह जी का कमेंट है, गोलू भाई हमेशा फौजी कटिंग करवाया करो अपने सिर के बालों की, थैंक यू जी। प्रीति वर्मा जी का कमेंट है, नाइस। अगला कमेंट है ज्योति सिंह का, दीदी हमेशा हमेशा ना खुश रहो, चलने वाले को ना चिल्लाया करो, दीदी आप कहाँ रह रहे हैं, मुस्कान को सूट काटना सिखाओ गे, हमें भी सिखान देना प्लीज। तो ज्योति सिंह जी मैं आपको बता देती हूँ, मुस्कान का 1% भी मन नहीं है सिलाई सीखने का। जब छुट्टियों में सोचा था मैं इसको सिलाई सिखाऊंगी तो इधर उधर के चक्करों में ना हमारा टाइम सारा वेस्ट हो गया। अगर मैं हंसी रहती तो मुस्कान को कटाई करती हूँ, जरूर सिखाती हूँ मैं। तो अगला कमेंट है आंसू गोलू ब्लॉग, नाइस ब्लॉग हुआ जी। तो थैंक यू बच्चों। अगला कमेंट है ज्योति का, कैसे हो दीदी? तो दीदी हम बिल्कुल ठीक हैं और आप लोगों की दुआ रही तो ऐसे ही ठीक रहेंगे जी। का कमेंट है नाइस ब्लॉग, रीना जी का ब्लॉग का टाइटल देखा करो यार जी। का एक कमेंट और है, जय सियाराम भाई, थैंक यू जी। कालू भाई कहाँ पर है? तो भैया ये बात तो मैं आपको बता देती हूँ, ये कमेंट कई दिन से आने लग रहे हैं भाई, कालू कहाँ गायब है कहाँ गायब है। देखो आज तक ना मैं कोई इसका ना जवाब नहीं देना चाहती थी, आज आपको छोटा सा जवाब दे देती हूँ। तो आप सभी को पता था अभी हमारे पास नहीं थे, तो अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो भाई कमेंट करके पूछना जहाँ पर भी थे। तो थैंक यू जी। तो जी अगला कमेंट है यूजर EW6LE8Z, गोलू के बिना ब्लॉग अच्छा नहीं लगता। हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने, गोलू के बिना ब्लॉग अच्छा नहीं लगता। अगला कमेंट है प्रियंका जी का, प्रियंका गोला, अरे वाह आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है, तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं और गोलू बहुत मेहनती बच्चा है, अपनी मम्मी और भाई बहन का बहुत केयर करता है, आप सब हमेशा खुश रहो। तो थैंक यू प्रियंका जी। और अगला कमेंट है आशा भट्ट, सरोज आर वेरी ब्रेव वुमन,
गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। थैंक यू जी। अगला कमेंटर यूजर GU100G, वेरी नाइस ब्लॉग। थैंक यू जी। अगला कमेंट है प्रीत कौर जी का, वेरी वेरी नाइस ब्लॉग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। यूजर जी का कमेंट है गोलू नहीं दिखता तो सुना सुना लगता है। हाँ जी, थैंक यू। अगला कमेंट है पिंकी जी का, वेरी नाइस ब्लॉग जी। थैंक यू जी। और अगला कमेंट है दीपिका जी का, सरोज दीदी दुकान का नाम भी रख लो और पोस्टर भी बनवा लो, आने जाने वाले को दुकान का पता लग जाएगा। तो दीपिका जी, थैंक यू वेरी मच, आपका दिल से शुक्रिया है और मैंने सोच रखा पोस्टर के लिए भी। और आप सभी जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें एक बात ज़रूर बताना भाई, हमने दुकान का नाम क्या रखना चाहिए। मैंने कई ये बोल रहे हैं बच्चों के नाम पे दुकान का नाम रखो, और मैंने ये सोच रखा है कि मैं अपनी दुकान का नाम मेरे केशव माधव के नाम से रखूँ। तो आप ज़रूर बताना मैं अपनी दुकान का क्या नाम रखूँ, केशव माधव किराना स्टोर रखूँ या कुछ मतलब और काना जी स्टोर, मतलब आप जो भी है ना कल कॉमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि हमें दुकान का क्या नाम रखना है। तो अगला कॉमेंट है मैं जी का, आज का ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सब बहुत अच्छे हो, गॉड ब्लेस यू। गाइज, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं बस ऐसे ही थोड़े थोड़े कमेंट हर रोज करती रहूँ। तो एक कमेंट है का कमेंट है, मलाई फ्रिज में रखो बदबू नहीं आएगी घी निकालने में। तो गाइज, मैं मलाई को फ्रिज में ही रखती हूँ, फ्रीजर में लिख रखा आपने, मैं मलाई को फ्रीजर में चोरी चढ़ रही होती उसमें रखती हूँ, पर मुकुल को ना उसमें बदबू आती आती है जी, कितनी भी कोशिश कर ले। अगर मुकुल घर से बाहर होना अंदर घर किसी के भी घी बन रहा हो, हमारे घर में नहीं, अगर किसी के घर में देसी घी मतलब कोई गर्म कर रहा हो तो यह उसी टाइम ये बता देगा यहाँ पे घी बन रहा है। तो थैंक यू जी। दीपिका जी का कमेंट है, आप पानी को यूज कम करो, आप लोग पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हो। तो दीपिका जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, पानी हम कम से कम यूज करते हैं। आप एक बात बताओ, पानी का यूज नहीं होता, बर्तनों में भी झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाती हूँ, उसमें भी कपड़े धोने में भी नहाने में भी, गर्मी का मौसम आपको पता गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन में दो बार। तो अगला कमेंट है विद प्रिया, गाइज अब टाइम बज गया है, गाइज अब इतना बज गए हैं, मतलब सारे बज गए हैं। तो बेटा जी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, क्योंकि ना हर चीज़ ब्लॉग में ना कई बार टाइम भी बताया जाता है, जैसे आज भी बोला मैंने रात के 10 बज चुके हैं और अभी हम कमेंट कर रहे हैं, तो ये बात ना अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी देखो, जैसे कई बार टाइम मैं भी बता देती हूँ, बच्चे भी बता देते हैं, और आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, हमें इतना प्रोत्साहन इतना उत्साह दिया, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। और गई आपने कल मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली कमेंट भर भर के कमेंट कर देना, आपको जितने भी कमेंट ज़्यादा आएंगे ना मैं उसी के नाम से अपनी दुकान का नाम रखूँगी। ऐसे भी है जो भाई वापसी ये चाहते हैं कि भाई हम कोई ना कोई किसी के ऊपर बात बोलें, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, चाहे कोई कितने भी मेरे कमेंट करे, कितना भी कुछ भी करे, तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ मैं धीरे धीरे करके अपने बच्चों की परवरिश करूँ और अच्छी से अच्छी करूँ। और कितने मेरे साथ हैं, कितने सब्सक्राइबर मेरे साथ इस काम में, तो मैं बिना किसी की हेल्प लिए, परिवार से अलग बिना किसी की हेल्प लिए, चाहे थोड़ा हो धीरे धीरे करके मैं अपना काम चलाना चाहती हूँ। किस किस को अच्छा लगता है और कौन कौन हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आप ज़रूर बताना। तो बाय बाय गाइस, आज की वीडियो का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करना। बाय बाय गाइस।